दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है हार्दिक और आप देख रहे हैं विलेज लाइफ विद फार्मर, हमारे चैनल का नाम। जो आप इसमें सदस्य बने हैं, इतने 5000 कंप्लीट हुए, बहुत ही आनंद हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कि कल हमारे 5000 सब्सक्राइब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें तो वो और आगे जाएंगे। सबको क्या है, दूसरे को मतलब कि ये रकम छोटी लगती होगी, लेकिन मेरे लिए ये छोटी रकम नहीं है, यह बहुत बड़ी रकम है। 5000 सदस्य जोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। फिर से थैंक यू सो मच। अभी क्या करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। आज तो हमारे जो ट्रैक्टर ट्राली है वो सब साफ करेंगे, उसमें ही थोड़ा थोड़ा जो है व्लॉग बनाएंगे। बेल को भी चलाना होगा तो वो सब व्लॉग में ज़रूर आएगा, तो अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो अभी यहाँ पर पापा जो है वो सुबह सुबह में बेल जोड़ कर मक्का लगा रहे हैं। इतने में यहाँ पर मैंने आगे कई बार व्लॉग में भी बताया है कि मक्का हम यहाँ पर लगाते हैं पशुओं को खाने के लिए, तो अभी मक्का ही लगाएंगे। गेवरणी है जो आज से इसमें जो है वो डालना होता है आज से, तो अभी इतना ख़त्म कर देंगे। फिर वो सामने वाला खेत है ना, वो तो पता नहीं, उसमें जुवार तो देर से लगाएंगे, लेकिन इतने में पहले मक्का लगा देते हैं। कहा था ब्लॉग्स में कि इतने में मक्का लगाते हैं, ये जो चारा डालने की जगह होती है वहाँ पर, वो वाले विभाग में जुवार लगेंगे वापस। और वो जुवार भी है, इतनी बड़ी हो गई है, वो इतने हम काट लेंगे तो यहाँ से वापस हो जाएगी। टाइगर बैठा है और ट्रैक्टर कल साफ करके यहाँ पर ये रखा था, क्योंकि आज वापस चलाना है हमें, कल तो नहीं चला पाए। अभी भैया ब्लेड चला रहा है पीछे, छोटा सा खेत है तो सुबह में रेडी भी हो गए, मक्का लगाए हुए सब काम हो गया। तो ये पापा ने ये सामान से ही पहाड़ बना ली और अभी सामान लगा रहे हैं बीच में। एक दो तीन चार क्यारे हो गए छोटे छोटे, जिसमें मक्का लगा दी है। अभी वो बड़ा है खेत, वहाँ पर जुवार होगी, वो तो शायद अभी नहीं लगाएंगे, जब वापस बारिश होगी तब। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कब लगाएंगे, वरना तो पता था। तो अभी यहाँ पर वीर भाई की ये बाइक है, ये मूँगफली में क्या है दवाई छिड़काव करने का जो उपयोग हम, ये जुगाड़ देसी है वो है। तो अभी हम घर पर ले आए हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रोली साफ करना है, तो एक आइडिया लगाया है। वो प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा आता है, तो हमने वहाँ से पानी की मेन पाइपलाइन आती है वो एक बाइक में जाती है, बाइक में अगर एक पंप लगा हुआ था आगे, वो फिर वहाँ पर जाता है तो प्रेशर लगता है। अभी पहले ट्रोली साफ करते हैं, फिर अंदर रख के फिर ट्रैक्टर को साफ करेंगे। वो जो देखो आगे ये पंप है ना, वो वाला,
भी एक साथ साफ कर रहे हैं, छोटे को और बड़े को। यहाँ पर ये अभी हाथी जो है ऑलरेडी किया है, इसमें चला नहीं, चाचा तो अभी ट्रैक्टर चला रही हैं, ऐसा करके जा रहे हैं आगे, कल्टीवेटर बोलो, मिंजरी बोलो, जो भी बोलो। तो अभी यहाँ पर ये दूसरा साथी आया है, अभी ये सीज़न में अभी पहली बार चला रहे हैं। इसको हम एक्का बोलते हैं क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो एक्का होता है ना, वन नंबर ऐसा हो रहा है, इसलिए एक्का बोलते हैं। ये भी अलग तरीके से काम आता है, इसलिए इसको चलाया है वापस। अभी चलेगा ना तो आपको दिखाऊंगा। अभी पापा बेल को जोड़ रहे हैं। तो अभी भैया बैल चलाने के लिए आया हूँ, मैं अभी जाऊँगा घर पर। और वहाँ पर ट्रैक्टर भी चल रहा है, चाचा दो पैर से आए थे तो ये पूरा खेत ख़त्म कर दिया कल्टीवेटर का। तो एक साथ सभी काम हो रहे हैं। अभी बैल शायद ख़त्म तो हो ही जाएगा क्योंकि आज इतनी धूप नहीं है तो बैल थकेंगे नहीं, बादल है इसलिए। अभी दो ही काम साथ साथ में हो रहे हैं, ट्रैक्टर भी चल रहा है, बेल भी चल रही है। तो यह है इतना रखा है तो सब कुछ में तभी पॉसिबल हो पाता है, हम हैंडल कर पाते हैं। थोड़ी स्पीड तो काम में चाहिए ही होगी, थोड़ी सी आवड़त और थोड़ी सी स्पीड, ऐसे सब मिलाकर जो है काम जल्दी से हो जाता है। फिर अभी बारिश नहीं है तो सभी खेतों में एक बार साथ ही चल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना वापस जब बारिश आ जाएगी तब वापस फिर से प्रॉब्लम होगा। इसलिए भैया वाले भाई की मूँगफली यहाँ सूख रही है, देखो कितनी सूख गई है, ये जल्दी लगाई थी इसलिए सूखने का प्रॉब्लम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं फरा, देखो ये सूख रही है ना, इसको फरा बोलते हैं। इसका तो कोई इलाज है नहीं, यह तो जितनी भी सूखती चली जाए उतना हमारे लिए नुकसान है, इसलिए मूँगफली जल्दी लगाएँ तो भी नुकसान है, देर से लगाएं तो वापस निकालने में नुकसान है। तो ये है ना, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना ये पीछे मूँगफली है ना वो गिरा देगा।
यहाँ पर बीच में देखो ये थोड़ी सी आपको लाइन दिख रही होगी, वो इसके पहले बारिश के पहले जो हमने साथी चलाया हो ना उसकी लाइन है, इसलिए व्हील का जो पहिया होता है ना वो इसके ऊपर आना चाहिए। बाकी बेल को तो छोड़ दिए हैं, वो खेत कंप्लीट नहीं हुआ, आता ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि बेल वो तो थक जाते हैं, ये तो थकता है नहीं, हम थक जाते हैं इसमें, तो ये नहीं थकेगा। अभी दीपक चला रहा है ट्रैक्टर, इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने का मौका मिल गया, वरना मुझे अभी चलाना था। ब्लॉग तो ऑलरेडी शूट कर लिया है, आज के दिन का जो भी आपको दिखाने लायक मुझे लगा वो शूट हो गया है, और आज एक दूसरा ब्लॉग भी शूट हुआ है, वो कल आएगा, आज नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी दो दिन से स्टॉक में रखता हूँ, क्योंकि अभी काम जो है वो बढ़ गया है, इसलिए कभी कभी ब्लॉग शूट नहीं हो पाता, इसलिए वो जो स्टॉक वाला होता है मैं अपलोड कर देता हूँ। इसलिए अभी दीपक चला रहा है, वो तो अभी सीखता है, इतना अच्छा दीपक आता नहीं है, लेकिन इस साल बहुत अच्छा चलाने सीख गया है, बहुत अच्छा चलाता है अभी। तो अभी व्लॉग जो है वो एंड होगा, अभी आधा खेत कंप्लीट हुआ है, मुझे आधे घंटे तक चलाना है अभी, तो मिलेंगे फिर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जवान जय किसान जय भारत, जय हिंद।